नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। मैं हूं मनीष। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अजमल के अत्तर के ऊपर। उसके दो लेटेस्ट अत्तर लॉन्च हुए हैं जिनका नाम है सबा और अलवाफी। ये जो अत्तर है और काफ़ी बेहतरीन फ्रेगनेंस है इनकी। मैं आपको बताता हूँ, अभी लेटेस्ट लॉन्च है, एक महीने का भी समय नहीं हुआ है इनको लॉन्च हुए, तो उनका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बॉक्स मंगवाया था, ये देखिए, ये सबा, ये इसकी देखिए बोतल है। पहले आपको मैं बॉक्स दिखा देता हूँ कि क्या क्या आया है मुझे अजमेर की तरफ से, और फिर आपको मैं एक एक करके रिव्यू करूँगा, ठीक है। ये अलवाफी और ये कुछ सैंपल आए हैं मुझे इसके साथ, देखिए बॉक्स खाली पूरा, ये सैंपल, इसके चार सैंपल आए हैं। निया, अगेन निया, प्रोस और असेंड, ठीक है। ये तो है सैंपल्स, ओके। सो अब हमारा रिव्यू जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलवाफी की। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसका पैकेजिंग कैसी है। ये इसकी पैकेजिंग है। एमआरपी की बात करें तो एमआरपी इसमें लिखा हुआ है 500, बट ऑनलाइन आपको ये 308 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अगर सेल होगा तो 285 के आसपास मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, राइट। ठीक है, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा है। ये इसका रोल ऑन, ये मेन अत्तर की बॉटल, देखिए काफ़ी खूबसूरत पैकिंग करते हैं अजमल वाले। और ये इसकी बुकलेट, इसमें इसकी जो भी इसके प्रोडक्ट हैं उसकी डिटेल्स इसके अंदर है, ओके। ये तो इसका अत्तर है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि कंपनी जो है वो क्या क्लेम करती है कि उसने इसमें क्या क्या जो है नोट्स इंक्लूड करे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अलवाफी का, तो इसका जो नोट्स, मेन नोट्स है, फर्स्ट जिसे कहते हैं टॉप नोट, वो सिनेमन है, दालचीनी और सैफ्रॉन, केसर, ठीक है। टॉप नोट की जब मैंने बात करी है, इसका मतलब ये है कि जब आप उसको ओपन करोगे तो पहले फ्रेगनेंस सिनेमन की और सैफ्रॉन की एक साथ आएगी, और उसके बाद जो हार्ट नोट है वो है रोज़ और ग्रेनियम। एक्चुअली ये दोनों ही फ्लोरल फ्रेगनेंस में आते हैं, और जो बेस नोट है वो लेदर और ऊद का है, तो मतलब मस्की फ्रेगनेंस, सॉरी वुडी फ्रेगनेंस है, ठीक है। तो ये तो कंपनी ने जो है क्लेम किया है, आप चेक करते हैं कि रियलिटी में क्या है, ओके। तो मैं आपके सामने इसको ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन किया और ये मैंने ऐसे हल्का सा डिप करने की ज़रूरत है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी फ्रेगनेंस, खुशबू तो अच्छी आ रही है। सैफरन का और दालचीनी का जो रेशियो है वो 75:25 के हिसाब से है, मतलब कि जो सैफरन है वो 75% है और जो सिनेमन है, दालचीनी है, उसका जो फ्रेगनेंस है वो 25% है। रोज़ का टच तो थोड़ी देर बाद में आएगा, आधे घंटे के बाद में रोज़ जो है उसकी फ्रेगनेंस आनी स्टार्ट होगी, और जो इसका जो लेदर और उदी का जो बेस है वो भी लगभग एक घंटे के आसपास ही जो है फ्रेगनेंस आना स्टार्ट होएगा। बट बेसिकली ये जो फ्रेगनेंस है ये वुडी फ्रेगनेंस है, अच्छी फ्रेगनेंस है। इस फ्रेगनेंस के लिए आपको मैं ये बता दूं कि ये फ्रेगनेंस इस तरीके की फ्रेगनेंस नहीं है इसको लगा के आप किसी सीरियस फंक्शन में जा सकें, जैसे कि ऑफिस हो गया या मीटिंग हो गई, वैसे नहीं, क्योंकि ये फ्रेगनेंस काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करने की वो है। तो ऐसी फ्रेगनेंस का यूज़ आप या तो किसी शादी में या पार्टी में
या कहीं और जाते हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से, एज़ पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप जो है किसी सीरियस जगह पे आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी जो नोट्स है काफ़ी हार्ड है, फ्रेगनेंस है काफ़ी हार्ड है, काफ़ी इसकी लॉन्जेबिलिटी भी अच्छी है। देखिए, अजमल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अजमल एक ऐसा ब्रांड है जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इसकी मैक्सिमम फ्रेगनेंस जितनी मैंने इस्तेमाल करी है वो सारी की सारी ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और शानदार है। सस्ते में रेट में अच्छी फ्रेगनेंस अगर आपको चाहिए इंटरनेशनल ब्रांड, तो अजमल के लिए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मेरा तो बेस्ट फ्रेगनेंस ब्रांड यही है, मुझे यही पसंद आता है मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, तो ये तो बात थी अलवाफी की। अब बात करते हैं सबा के बारे में। तो सबा का बॉटल, ये देखिए इसकी पैकेजिंग, ये अजमल का लोगो, सेम MRP है, 500 इसकी MRP है, बट ऑनलाइन अब मैंने बताया 308 या फिर 285 के आस बीच में इसके रेंज में मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, चलिए इसको ओपन करते हैं। ये इसका रोल ऑन और ये मेन बॉटल, देखिए पैकेजिंग काफ़ी खूबसूरत है। और ये इसकी बुकलेट, इसमें इसके सारे जो प्रोडक्ट है मतलब एडवर्टीजमेंट है। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी जो है वो क्या क्लेम करती है कि इसमें क्या क्या नोट्स हैं। ओके, सो सबा की बात कर रहा हूँ मैं। सबा में जो मेन नोट्स हैं, जो टॉप नोट हैं, वो जैस्मिन का है, फिर सैफ्रॉन का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद में जो हार्ट नोट है वो सिडारवुड का है, और जो बेस नोट है वो सैंडलवुड और मस्क का है। मतलब ये भी वुडी फ्रेगनेंस ही हुई, ओरिएंटल में आप बोल सकते हो क्योंकि मसाले ही हो गए एक तरीके से। ठीक है, देखते हैं इसकी फ्रेगनेंस कैसी है। ये बोतल, और ये मैंने इसको ऐसा टैप किया, अतर जितना आप कम यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी फ्रेगनेंस आएगी, यही अतर का लगाने का एक फॉर्मूला है। जैस्मिन का हल्का सा टच है, सैफ्रन की भी अच्छी खासी खुशबू है, हल्की सी सिडारवुड की फ्रेगनेंस है, स्टार्टिंग में ही फ्रेगनेंस है सिडारवुड की, और जो बेसिक है वो सैंडलवुड का मुझे तो बहुत ही कम आ रही है। बेस में थोड़ी देर बाद में आनी स्टार्ट होगी तो पता नहीं, बट अभी तो फ़िलहाल कम आ रही है। जो मेन है वो सैफ्रन है, जैस्मिन का हल्का सा टच है, और सिडारवुड का भी हल्का सा टच है स्टार्टिंग में। ठीक फ्रेगनेंस है, इस फ्रेगनेंस को आप ऑफिसेस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अत्तर का ऑरा ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा होता है, और अत्तर एक ऐसी चीज़ है, इसको आप तभी यूज़ करिए जब आपको कहीं इंप्रेशन जमाना है, या जहाँ भी आप चाहते हो कि आप यू नो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, वहीं पर आप इस्तेमाल करिए इसको। ठीक है, तो ये था मेरा रिव्यू अजमल के अत्तर के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज़ एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। कोई और भी अगर आपको डाउट है, कोई और भी आप रिव्यू चाहते हो किसी परफ्यूम, अत्तर या डियो के ऊपर, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।